हाँ हाँ करवाएंगे करवाएंगे ऐसे हो जाओ नहीं This is okay. Hi guys. Hi. Okay. बहुत बहुत हाई इतना एक्साइटमेंट हाई कि मुझसे फॉर अ चेंज आई डोंट नो व्हाट टू से आई एम रियली फीलिंग एक्सट्रीमली ओवरवेल्म्ड एंड आई एम वेरी नर्वस एंड आई एम वेरी एक्साइटेड ऑल्सो एट द सेम टाइम बट ऑल इन ऑल आई थिंक द ट्रेलर वॉज रिसीव्ड रियली वेल एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दैट एंड दैट मेक्स मी इवन मोर एक्साइटेड फॉर द स्क्रीनिंग एंड आई जस्ट कैन वेट टू वॉच हाउ इट्स गोना ऑल लुक नाउ That's right, absolutely. जी माई पेरेंट्स एंड दैट्स वाई दे आर हियर विद मी आई मीन दे आर यहाँ पर आप लोग हैं उसके पीछे माई पेरेंट्स आर क्लिकिंग पिक्चर्स सो आई थिंक एंड जिनको मैं दिखाना चाहती हूँ वो मेरे साथ है अभी बहुत बहुत ज़्यादा मज़ेदार रहा क्योंकि जैसे कि आपने कहा यूनिफॉर्म एक पहनना वो ही अपने आप में इतनी एक बड़ी बात होती है एंड जस्ट टू डू आई हैव ऑलवेज वांटेड टू डू एक्शन यू नो बिकॉज आई थिंक दैट इज़ वन थिंग दैट आई मिस्ड डूइंग ऑन टीवी थोड़ा सा बेहद में किया था बट उससे और भी मुझे इंस्परेशन मिली करने की एंड वंस आई गॉट दिस अ लॉट ऑफ एज यू मस्ट हैव सीन फ्रॉम द ट्रेलर कि बहुत ही भागना दौड़ना फाइट और ये वो Laugh, yeah, a little bit. And so, yeah, that was a lot of fun. Very, very tiring, but a lot of fun. All good, thankfully. thankfully. और लोग मेरे ख्याल से ज़्यादा ये कह रहे हैं कि we didn't know that you could do something like this, right? Because I am not very... physically I'm not a very tall and you know how you would expect a soldier to be and I think that was one of the reasons why also I took up this challenge and I would like to thank our director Akshay our producers Samar Khan and obviously Ekta ma'am that they thought that I could do this aur unhone mujh par they had this faith and trust in me and I'm really really grateful for that हाँ जी बोलिए करेक्ट करेक्ट जी तैयारी तो थोड़ी नहीं काफ़ी करनी पड़ी बिकॉज वी शॉट दिस लास्ट ईयर एंड लकीली यू नो एक टाइम पे दो प्रोजेक्ट्स करना आसान बिल्कुल आसान नहीं होता एंड दैट टाइम आई वाज दिस वाज ऑल माय फोकस वाज ऑन कोडियम तो मुझे टाइम मिला थोड़ा प्रिपेयर करने के लिए बिकॉज फिजिकली जो भी जितने भी एक्शन सीक्वेंस आप शो में देखेंगे वो ऐसे नहीं लगना चाहिए कि अभी सीखा है यू नो बिकॉज प्लेइंग एन आर्मी ऑफिसर दैट जिस तरह से वो खड़े होते हैं चलते हैं उस सब में भी हमने काफ़ी वर्क किया है सो आई डिड अ लिटिल यू नो माई पिलाटेज एंड माई डाइट अ लिटिल बिट कंट्रोल और कोशिश की अभी आई डोंट नो हाउ इट्स गोना लुक आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट टू दैट पहले तो आई सीरियसली डोंट नो हाउ टू रिएक्ट टू दैट यार मेरे ख्याल से हम एक्टर इसीलिए बनता है ताकि हमें ऐसे कुछ अलग करने का मौका मिले राइट एंड आई रियली एंजॉय एंड मेरे ऑनेस्टली मेरे दिमाग में ये सब आता नहीं है तुम लोग के दिमाग में कैसे आता है ये सब मेरे को समझ में नहीं आता है सच्ची बट लुक आई एम एन एक्टर एंड आई लाइक प्लेइंग क्वर्की रोल्स लाइक दैट बिकॉज वो करने में मुझे मज़ा आता है ऐसा नहीं है कि मैंने
अपने बाकी सारे शोज में मैं एक अच्छी बहू अच्छी बेटी वो सब भी किया है, बट आफ्टर दैट वॉट राइट, एंड आई थिंक द फैक्ट दैट आई गेट टू डू दीज रोल्स ऑन टी वी विच इज़ very very difficult right that I'm just going to say I'm lucky mere ko nahi pata record ye wo but I really truly love acting truly love acting aur jitna quirky roles utna aur maza aata hai ek aur baat hai ki jaise ki jab aapke shows hote hain tabhi aap zyada media se nahi aate aur aap koi party mein tv nahi karte aap matlab aap bhi aap acti nahi hai acha ये देखिए आ गए हमारे प्रोड्यूसर जी। ये पार्टी इसलिए नहीं करती हैं क्योंकि ये काम में विश्वास करती हैं और बहुत काम करती हैं। अब यहाँ खत्म करेंगी उसके बाद ये डबिंग के लिए जाएंगी, सुबह शूट के लिए जाएंगी, फिर डबिंग करेंगी, तो काम करना इतना होता है तो आदमी पार्टी कैसे करेगा ना, बताइए आप। बताइए अब इसका जवाब तो मिल चुका है आपको हमारे प्रोड्यूसर साहब से। और वैसे भी ये सिंगल आप कुछ ढूंढ दीजिए, कोई मिल जाएगा तो पार्टी भी कर लेंगे इसके बाद फिर। That is your answer. Absolutely save the day. Look, right now this is all that is Codem is all what I'm thinking about right now, because the start, as you said, has been phenomenal with the trailer launch, and right now, you know, let me at least enjoy this moment and the revelries after this, and then we'll get one day at a time, you know. देखिए मेरे हिसाब से भले वो वेब शो हो या टीवी हो या फिल्म हो, एक्टिंग होती है, और मुझे जैसे कि मैंने पहले भी कहा आई रियली ट्रूली लव एक्टिंग। येस द डिफरेंस इज़ कि जो टीवी में जिस तरह से एक सीन को ट्रीट किया जाता है या वेब पर जिस तरह से ट्रीट किया जाता है वो डिफरेंस होता है, और वो एनीवे मेरे हाथ में नहीं है राइट। सो मैं काम वहाँ पर ही वैसे ही करती हूँ और यहाँ भी ऐसा ही करती हूँ और कहीं पर भी वैसा ही करूँगी, तो मेरे लिए वो डिफरेंस नहीं है। I think just to get the physicality right, because like I think I must have said this a million times, I'm a very very lazy, that's one of the reasons why I don't get out also, because I'm very lazy. With all of that I'm also very lazy, so I think just to get to be a little disciplined, to be follow you know specific diet patterns, that was I can't do that, it was very tough. Yeah, thank you guys, thank you so much. Family ke sath visual ho jaye ma'am, family ke mast andar baithe unko baithe na yahan pe bhai yahan par hai, thanks guys. Hey, how are you? Whatever there in the tonight.
जनरल ओके सो द फर्स्ट स्क्रीन है फॉर देम जी व्हाट इज मेकिंग देम मोर एक्साइटेड अबाउट